तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर इनके फिर जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक वह द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई वे कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी के रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।